ये मज़ेदार हमारा टेस्टी वेजिटेबल पराठा तैयार है। चाय मैं सुबह ले चुकी हूँ, बिफोर नमाज़े फजर मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद नमाज़ और होली कुरान रिसाइट होली कुरान, उसके बाद अब ये मैं वेजिटेबल पराठा मिक्स्ड वेजिटेबल का मज़ेदार हेल्दी पराठा ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। तकरीबन 8:10 o'clock का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर मैं जो है टी स्नैक बना रही हूँ और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें दो बॉल जो है चिकन चीज़ बॉल मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये जी इसका थोड़ा केयरफुली काम नहीं किया था थोड़ा सा, तो ये क्या हुआ थोड़ा सा ओवर कुक हो गया। खैर अब आपने मीडियम लो हीट पर इसको केयरफुली कुक करना है जब आप करने लगे। ये दो मैंने रेडी किए हैं, अब इसकी रेसिपी आपको नोट डाउन करा देती हूँ। ये ब्रेड के वही एजेस हैं जिससे मैंने कलब सैंडविच बनाए थे, उनको पानी में सोक कर लिया और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया। और जी जो चिकन की मैंने रेड चिली सॉस बनाया था उसको जो स्ट्रेन आउट होने के बाद लहसुन और साबुत गोल मिर्च का मिक्सचर था वो भी इसमें इसको स्पाइसी बनाने को ऐड कर दिया है। इतना पानी इसमें डालो को ये चौक होके अच्छी तरह एक मिक्सचर बन जाए। उसके साथ मैंने 100 ग्राम जो है इसमें चेडर चीज़ ली और 100 ग्राम जी मैंने इसमें ली है मोज़रेला चीज़। इसको मैंने गाजर का जो कद्दूकश होता है जी उससे इससे जी इससे जो है इसके बारीक जो दंदाने इससे कश कर लिया चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को। ये वो फिलिंग का मिक्सचर है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो गाजर बंद गोभी कैबेज और चिकन और स्पाइसेस जो है फिलिंग के रोल, चिकन चाइनीज़ रोल की जो रेसिपी की फिलिंग बताई है वही फिलिंग है जिसको मैं इस बॉल में चेडर चीज़ और ये फिल करूँगी। 1/2 टीस्पून इसका लूँगी और 1/2 टीस्पून इसका लूँगी और छोटे बॉल बनाऊँगी। फिर ये जो है हमारी कॉर्न फ्लोर 4-5 टेबल स्पून लिया और इसको मैंने 1/2 कप पानी में जो है क्या किया जी घोल लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ये चिकन पाउडर जो है ऐड कर लिया। और जी ये हमारा एक घोल तैयार हो गया ताकि हमारे चीज़ बॉल जो हैं चिपके ना, ठीक है जी। और ये बहुत ही केयरफुली आपको ये बॉल बनाने में एक में डिप करके नहीं बना रही क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मुझे सूट नहीं करता, बच्चे ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। ये दो बॉल में फ्राई कर चुकी हूँ लेकिन केयरफुली, और जब ऑयल आपका गर्म हो जाए कुकिंग तो आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है। देखें थोड़ा सा मैंने केयरफुली काम नहीं किया तो ये थोड़ा चिपक गए थे, बहुत केयरफुली आपने टॉलरेंस के साथ इस काम को करना है। और ये हमारी केचप है यानी 1/2 टीस्पून ले लो, 1/2 टीस्पून इसका और छोटे बॉल में इस फिलिंग में बॉल बनाओ और इसमें डिप करो और मीडियम लो पर केयरफुली इसको फ्राई करना है। अब मैं सारे बॉल रेडी कर लेती हूँ और इसकी रेसिपी आपको बता दी है। फिलिंग जो मैंने बनाई थी चाइनीज़ रोल की वो है, यह 100 ग्राम मैंने चेडर चीज़ लिया, 100 ग्राम जो है मोज़रेला चीज़ लिया और ये जिसने हमारे कलब सैंडविच के पूरी ब्रेड के उसमें 4-5 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा ऐड किया। आपके पास सूजी हो मैदा हो जो भी अवेल हो उसमें आप इसमें थोड़ा मिला लें ताकि एक अच्छा मिक्सचर बन जाए और उसमें ये बॉल अच्छे बन जाए और फिर इसमें डिप करें। आप एक वाइट का पार्ट भी लेके उसमें भी डिप कर सकते हैं एज़ यू विश, जैसा आप चाहें। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर इसको आप चाय के साथ मज़ेदार स्ट्रॉन्ग चाय के साथ और अपनी मनपसंद सॉस हो या केचप हो उसके साथ इंजॉय करें। अब मैं सारे बॉल्स रेडी करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके देखें जी ये हमारे चिकन ब्रेड जो है बॉल्स चीज़ी बॉल्स रेडी है और टी के साथ इस स्नैक को आप इंजॉय करें बनाएं, लेकिन इसको बी केयरफुली टेंशन के साथ बनाना है। और इसके साथ अल्लाह हाफिज़।